क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक। यहाँ पे आई हैं यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीज़ें समझ के कि सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी। जी जी, सस्ती समझ के आए हैं, लेकिन भाव देख के तो बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है। हम वापस जा रहे हैं, कुछ हमारे लेवल का नहीं है। अच्छा। तो हम लेने तो सोचा ही आए थे, यहाँ से राशन पानी लेने आए थे घर का, तो लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा है, तो दिल नहीं कर रहा, हम जा रहे हैं वापस। क्या लेने के आई थी? ये दालें वगैरह लेनी थी, लेकिन इनके रेट बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। जो मजदूर स्टोर पे भी रेट आपको लग रहा है ज्यादा है? ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जो मजदूर बंदा उसको ये भी ज्यादा लगता है। क्या मजदूरी क्या करते हैं आप इसमें? मजदूर है मेरे इसमें। क्या काम करते हैं? मिस्त्री है, मिस्त्री का काम करते हैं। मिस्त्री का काम करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि एक जाने में आपके जो हस्बैंड है वो मिस्त्री का काम करते हैं, मजदूर हैं, आप यूटिलिटी स्टोर पर आई हैं कि सस्ती चीज़ें मिल जाएँ हमें। हुकूमत की जानिब से ये स्टोर मुतारिफ करवाए गए हैं कि जो गरीब तबका है उनको सस्ती चीज़ें मिल सके, लेकिन यहाँ पर शिकवा किया जा रहा है कि कोई भी चीज़ उनके मुताबिक नहीं है। जी जी, हमारे मुताबिक नहीं है। हमारी ये गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि थोड़े से इनमें राहत करें, थोड़ा सा डिस्काउंट डालें, ताकि जो गरीब बंदा है उनको ले सके और इनको खा सके। अभी तक मैंने जितने भी लोगों से बात की है उनकी एक ही ज़रूरत है, चीनी और आटा। ऐसा क्यों है, और भी ज़रूरत है कोई? सबकी ज़्यादा यही, अगर घर में चीनी होगी या आटा होगा तो बच्चों को उसके साथ रोटी बनाकर चीनी के साथ भी खिला सकते हैं। क्यों? अगर सब्ज़ी नहीं गरीब बंदा अफोर्ड कर सकता, अगर ये दालें वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकता, घर में रोटी बनाएंगे चीनी के साथ, कहेंगे बेटा ये खा लो, घर में कुछ नहीं है, बच्चे पेट भर के खा लेंगे और सो जाएंगे। बच्चे तो खाते भी शौक से अक्सर चीनी वाली रोटी, की हमें चीनी वाली रोटी बना दें, कुछ नहीं है तो चीनी वाली रोटी खानी। जी जी, तो यही है ना कि अगर ये घर में देखेंगे बाबा काम पे नहीं जा रहे, बारिश हो रही है, जो मजदूर बंदा है कोई ला नहीं सकता, अपने बच्चों की जरूरत नहीं पूरी कर सकता, तो वो चीनी के साथ कहेगा बेटा इसके साथ गुजारा करो, वो गुजारा बच्चे कर लेंगे उनके साथ। आप यहाँ पे आम सार्फिन की हैसियत से आएंगे या फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आई हैं? मैं वैसे ही आई हूँ। वैसे ही आई हैं? जी, मैं आई हूँ कि ये लेके आती हूँ। अच्छा, इनकी कुछ शराइत भी है कि आईडी कार्ड के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, चीनी और आटा के बगैर के कुछ भी मिलता नहीं ना। आईडी कार्ड लेते हैं तो फिर सोते राशन आपके पास है? आईडी कार्ड? जी जी, मेरा आया आपने? जी, मिल रही है जी। मैंने भी मेरी सास माँ लेके आई हैं यहाँ से। अच्छा। तो मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो अम्मी लेके आई हैं, तो हम लोग भी चलते हैं, देखते हैं शायद वहाँ पे कुछ हो। तो चीनी भी महंगी होगी और चीनी के साथ साथ आटा भी महंगा हो गया है और मिल भी नहीं रहा है, तो कैसे गुजारा हो रहा है फिर चीनी और आटे के बिना? आपने बताया सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए चीनी और आटा। हाँ जी, बस गुजारा हो ही रहा है ना, गुजारा कर ही रहे हैं, करना पड़ेगा। क्यों कि अगर काम भी नहीं चलेगा, काम भी नहीं लगेगा, तो घर में भूखा बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि बरए मेहरबानी इनमें कुछ रियायत करें, ताकि जो गरीब तबका है, गरीब बंदे हैं, वो लेके इनको खा सकें, अपने बच्चों का पेट पाल सकें, जो मजदूर बंदे हैं वो अपने बच्चों के लिए उनको दे सकें, उनकी ज़रूरत पूरी कर सकें, उनके अलावा बच्चों के स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस, पढ़ाई, ट्यूशन की फ़ीस, बच्चों की कापी, पेंसिल, बुक्स लेनी है तो वो कहाँ से लेंगे? अगर इतनी महंगी चीज़ें लेंगे तो बच्चों को पढ़ाएँगे कहाँ से? तो वो छोटे छोटे बच्चों को फिर इसलिए लोग काम पे डाल रहे हैं। क्यों कि घर में कुछ है नहीं, बच्चों को भी बच्चों को काम पे डाला है? नहीं नहीं, मेरी अभी शादी को 6 माह हुए हैं। मैं 6 माह कर रही हूँ, आपको एक मिसाल दे रही हूँ मैं आपको, जो मजदूर बंदा है उनकी मैं बात कर रही हूँ। हाँ जी, अच्छा मैंने अभी यहाँ पर ना जो इस स्टोर को लीड कर रहे हैं उनसे बात की है, वो कह रहे हैं कि वाफर मकदार में आता है आटा, 125 के लगभग जो है ना थैले आते हैं आटे के, और सुबह के टाइम आते हैं और जैसे ही आते हैं सब लोग ले जाते हैं, लंबी लाइनें लगी होती हैं। आप आती हैं सुबह के टाइम? हाँ, मेरी मामा आती है, मेरी मामा ले जाती हैं। ले जाती हैं, मतलब खुश हैं आपके आटा तो मिल रहा है, कुछ मिले या ना मिले? आटा तो मिल रहा है, खुश हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि बरए मेहरबानी उनसे कहा जाए कि थोड़ा सा इनमें डिस्काउंट डाला जाए, जो गरीब तबका है, मजदूर आदमी है, वो इनको ले सकें, अपने बच्चों को खिला सकें, उनकी ज़रूरत पूरी कर सकें। उनकी ज़रूरत जो है ना वो पूरी नहीं हो रही जब तक इन्हें सस्ती चीनी और सस्ता आटा नहीं मिलेगा। उनकी जानिब से अपील भी की जा रही है कि अभी इन चीज़ों में मज़ीद डिस्काउंट दिया जाए, लेकिन डिस्काउंट देने के बजाय हुकूमत जो है मज़ीद महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं अवाम, उनको नहीं देख रही है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या हाल है? ठीक है। यहाँ आई हैं आप, क्या लेने आई हैं? आटा। आटा? आटा तो इस टाइम ख़त्म हो गया इनके पास, मैंने भी बात की, वो कह रहे हैं आटा नहीं है यहाँ। तो आम कहाँ जाए, कहाँ से खाएँ? इतना महंगा आटा मिल रहा है, वहाँ कहाँ जाइए बताएं भाई साहब। ओपन मार्केट से आटा नहीं लिया, दुकानों से देखा है आटा क्या मिल नहीं रहा? 1400 का मिल रहा है, 1450 का मिल रहा है जी। यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि जो आटे का थैला 10 किलो आटे का थैला 1420 तक पहुँच गया है, वो आपको 1450 का मिल रहा है? 1450 का मिल रहा है। पूछा नहीं दुकानदार से? 3 दिन पहले लाए हैं 1450 का। अबू की डेथ हुई है घर में, इतने मेहमान हैं, 10 किलो आटा कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। आपने दुकानदार से पूछा नहीं कि 1420 का है और आप दे रही हैं 1450 का? वो यही कहते हैं लेना लें, नहीं तो जाएं बस। अच्छा। यही बात होती है। कोई इंस्पेक्शन टीम चेक करने नहीं आती है? ये नहीं हमें पता। कभी आपने कोशिश की हो इनके खिलाफ कंप्लेन की जाए, वहाँ की इंतजामी से बात करने की कोशिश? अपना पेट पालने यही बहुत है, हमने कोशिश क्या करनी है?
कोशिश क्या करनी है नासिन, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है जो ये कह रही हैं, वो कह रही हैं कि हम लोग कोशिश ही नहीं करते हैं, कोशिश करेंगे भी तो वो अपनी मर्ज़ी के रेट फिक्स किए हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से कहते हैं कि लेनी है तो ले जाएं वरना रहने। आप यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हैं रोज़ाना के बुनियाद पर, कितना स्टॉक आ रहा है? क्योंकि अभी मैंने कामन साहब से बात की है, वो कह रहे हैं लगभग 125 थैले आ रहे हैं आटे के, और चीनी का जो टेंडर अभी जारी नहीं हुआ है, अपील की गई है, तलब उनको डिमांड जो है जाहिर कर दी गई है कि हमें इतनी चीनी चाहिए, अभी तक प्रोवाइड की गई, ईद से पहले की ये सूरत हाल है, ऐसा क्या है? यही सूरत हाल हुई है, लेकिन उम्मीद है कि चंद दिन तक इशू होना शुरू हो जाएगी चीनी और आटा। हमें 125 बैग आते हैं, उसके लिए लंबी कतारें होती हैं, तो ये वही लोग हैं डेली की रूटीन में जो आते हैं हमारे पास, मैक्सिमम वही चेहरे देखते हैं हम तो रोज़ इन लोगों के। तो हुकूमत का ये जानिब से ये जो है स्टोर मुतारिफ़ करवाया गया है, ओपन मार्केट की तो समझ आ रही है कि ओपन मार्केट को चीनी नहीं मिल रही है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर तक सरकारी हैसियत रखता है, उसके बावजूद भी इसको चीनी के बहरान का सामना है। बस अब टेंडर की बात है ना, अब देखें मार्केट में ओपन मार्केट में चीनी के बढ़ते हुए रेट हैं, फिर उनको मद्देनज़र रखें हमें भी सारा कुछ गवर्नमेंट को देखना पड़ता है, हमारे महकमे को भी देखना पड़ता है कि इसको कैसे हम डील करेंगे कैसे नहीं करेंगे। ओपन मार्केट में मेरे ख्याल से 150-160 के करीब है चीनी, हमारे पास 91 थी, उसी हिसाब से अब चेंज करेंगे, पॉलिसी तो चेंज होती रहती है ना रेट्स तो चेंज होती रहती है। पहले इससे पहले कितना लगभग जो स्टॉक था वो चीनी का आपके पास आता रहा है? मैक्सिमम डिमांड के मुताबिक कभी 600 केजी आ जाती है, कभी 1000 केजी भी आ जाती है।